सर अब आपका है सेवेंथ का सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ क्वेश्चन, जिसमें आपका ये क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 19, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3x प्लस 5। तो यहाँ पर आप फैक्टर्स कैसे बनाओगे, ए के नीचे एक्स प्लस 2 की या दो, अगर अगर दो टू पावर है तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 पार, फिर यहाँ बी एक्स प्लस 2 की पावर 2 प्लस सी 3x प्लस 5। तो हमने इस चीज़ को हमने इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर भी आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 19 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3x प्लस 5। ठीक है, अब हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विद दिस होल टर्म। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि इस चीज़ को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये लिखनी है लाइन यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय दिस। अब जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो आप डायरेक्ट सोचो ए को जो मल्टीप्लाई, यहाँ इस पूरे को हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ एक्स प्लस 2 है, यहाँ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल से मान लो, एक करके दिखा देती हूँ मैं, ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और यहाँ है आपका एक्स प्लस 2 की पावर 1, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 पावर। सिमिलरली बी, इसके नीचे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो जब ये पूरा टर्म आप ऊपर लिखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा बी के साथ 3x प्लस 5। प्लस सी, सी के साथ हम जब ये लिखेंगे तो ये क्या बच जाएगा इसके साथ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब हम क्या, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो एक बार के लिए, आपकी 2 या 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी, बट ये है कि आपको करना बहुत ईजी हो जाएगा, तो अगर सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, अगर जिसको ये कि हम डायरेक्टली सोच सकते हैं डायरेक्टली भी सोच सकते हो। मान लो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ए अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, 3 ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, ये जो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस बी 3x प्लस 5 प्लस सी, ये हम खोल दें x² प्लस 4a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर ये आपका ऑलरेडी सेम है ही। अब हम कह सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब देखो आपको दिख रहा है, अच्छा इससे पहले, हाँ ठीक है, पहले देखो, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते थे चीज़, पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमें देखना है कि हम इस ब्रैकेट को ज़ीरो कैसे बनाएं। मान लो हम कह रहे हैं जैसे मान लो इसको हम ज़ीरो कैसे बनाएं कि ए ख़त्म हो जाए। मान लो इस स्टेप करने से पहले करना है चीज़ कि अगर हमें आपको ये इस पूरे टर्म को ज़ीरो बनाना है, तो मान लो मैं इन दोनों ब्रैकेट में से कोई भी एक टर्म ज़ीरो बना दूँ, मैंने क्या करा x प्लस 2 को जीरो बना दिया। x प्लस 2 को जीरो कैसे बनाएंगे, जब हम x को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है, जीरो। अगर नहीं सोच सकते आप डायरेक्टली, तो यहाँ पर आप करके देख लो, x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, ये वाली पहले पुट कर दो, यानी कि पुट वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 बोथ द साइड्स। जब पुट किया यहाँ पर देखो, करो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 26 प्लस 19। ठीक है, यहाँ पुट किया माइनस टू प्लस 2 जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, ये तो कुछ नहीं होगा इसका, और यहाँ पर भी माइनस 2 पुट किया, माइनस 2 प्लस 2 जीरो, जीरो का होल स्क्वायर जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी गया, ये भी गया। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाकी बी की जगह यहाँ माइनस 2 पुट करना है, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 5 कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 7, माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, ऐसे अब हम इस, अब आपको बी को जीरो बनाना है। बी को जीरो बनाने के लिए हम 3x प्लस 5 को जीरो बना देते हैं, कैसे, यहाँ करके देख लो, 3x प्लस 5 को मैं जीरो बनाना चाहती हूँ, तो 3x इधर, 5 माइनस 5, और x की जगह आ गया आपकी माइनस 5/3। मतलब हम अगर हम x की वैल्यू माइनस 5/3 रख देंगे, तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, जीरो। कैसे देखो, करके भी देख लो, 3 इंटू माइनस 5/3 करो, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 5, 5 और 5 माइनस 5 प्लस 5 जीरो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं अगर हम x की, आप यहाँ लिखो पुट वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू माइनस 5/3, तो हम पुट करते हैं, पहले यहाँ पुट करके देखो, माइनस 5/3 पुट किया तो कितना हो गया 25/9 प्लस 13 इंटू माइनस 5/3 प्लस 19, ये वैल्यू पुट कर दी बस मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ पर इक्वल्स टू, अब यहाँ पुट करो, जब यहाँ माइनस 5/3 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो, सिमिलरली ये भी जीरो, यहाँ पर बस सिर्फ सी बच जाएगा आपका, करो सी की जगह सी इंटू माइनस 5/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आप 25/9 माइनस 65/3 प्लस 19 इक्वल्स टू सी, यहाँ पर आप कर लो इसको, एलसीएम ले लो, माइनस 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25/9 माइनस 65/3। अभी यहाँ एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम लिया हमने 9, तो यहाँ के 25 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 9 3 6 18, और ये जाएगा 19 प्लस 9 को करेंगे इससे, 9 9 81, 9 9 9 171 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, देखो अंदर क्या आएगा आपका 1/3 बचेगा, 1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, मतलब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 + 6 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर इज 1/9, तो सी इंटू 1/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, सी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस कर लो कितना होगा 171 + 25 कितना होगा 196 माइनस 195 कितना हो गया 1, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 1, ये आप खुद से भी सॉल्व कर देख सकते हो एक बार, सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू के लिए क्या करें अब हम, अब ए की वैल्यू के लिए देखो आपने ये वाला ब्रैकेट भी जीरो कर दिया, ये वाला ब्रैकेट भी जीरो कर दिया, तो सिर्फ ये दो ही ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमने सभी ब्रैकेट्स को एक बार तो जीरो करके देख लिया और यहाँ से आपकी बी और सी की वैल्यू निकली है। नेक्स्ट अब स्टेप करोगे आप कंपेयरिंग वाला, जब आपको दिख रहा है कि सारे ब्रैकेट्स आपके खत्म हो गए, ठीक है, जिनको हम जीरो अब नहीं कर सकते हो, तो अब आप करोगे नेक्स्ट कंपेयरिंग वाला स्टेप। कंपेयरिंग वाले स्टेप में आपको ये याद रखना है कि जो जिसके अंदर ए आए, अब मान लो मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप की, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लो, एक्स एक्स का कर लो, कुछ भी आपकी मर्जी है, या कॉन्स्टेंट टर्म कर लो, कुछ भी है, लेकिन उसके साथ ए आना चाहिए, ये कंपल्शन है। तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं करती हूँ कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मान लो मैंने बोला कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब देखो यहाँ पर आपकी साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 1, तो यहाँ तो आ गया 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो जब हम इसको खोलेंगे यहाँ पर ये बन जाएगा 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो गया आपका 3a। सेकेंड वाले में देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर आप जब इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे सी, तो यहाँ कोफिशियंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का सी, तो ये हो गया प्लस सी। अब आपके पास ए की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू आपके पास अभी आई है कितनी 1, तो ये 3a + 1 1 1 - 1 इधर होके गया 0, 3a और ए की वैल्यू आ गई आपकी 0 एक बार, बट ये चेक करना पड़ेगा हमारी वैल्यू ठीक है ना, ठीक है। अब बस अब यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट कर दो आपके जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें, अब ए की वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये तो आपका हो जाएगा 0 by x + 2, ये तो गया, फिर b by b की वैल्यू कितनी थी आपकी 7 7 by x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 3x + 5, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन इसका तो हो गया 0 क्योंकि 0 by something is 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, जब वो वाली टर्म से x + 2 को हम क्या, x 1 by x + 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 का ऊपर लेके आएंगे तो -2, यहाँ पर हम वो लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n + 1 by n + 1, वो चीज़ लगाओ यहाँ पर, यानी कि x + 2 - 2 + 1 by -2 + 1 कितना हो जाएगा x + 2 - 1 by -1, और इसको अगर और खोल दें तो क्या हो जाएगा आपका -1 by x + 2 की पावर 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 7 × 1 - 1 x + 2, ये इंटीग्रेशन करने के बाद है, ठीक है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ 3x + 5, अच्छा लॉग ऑफ 3x + 5 ये तो हो गया, अब 3x + 5 का भी इंटीग्रेशन करेंगे, 3x + 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 3, और 3 से हम करेंगे डिवाइड, यहाँ पर ये वाली टर्म 7 आ रही है, ये चीज़ को देखना पड़ेगा 7 मतलब अच्छा देखो यहाँ पर हमने ये चीज़ रह गई थी, हमने ये 4 तो लिया ही नहीं, 19 + 4 23 माइनस, तो -3 आएगी यहाँ पर वैल्यू, ये थोड़ा मिस्टेक हुई 3,
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर थ्री, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी थ्री। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन आप फिर से करके देखना खुद से।